कि दिल्ली के लोग, इसी दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी रहते हैं, क्या जरूरत है ऐसे झूठे भ्रष्टाचारियों के चंगुल में फंसने की। अब यहाँ से एमसीडी को भी बीजेपी के हाथों में देंगे और 2025 तक हम लोग 2025 तक आम आदमी पार्टी की दिल्ली की जनता विदाई करेगी। ये बताएं, 15 साल से बीजेपी संभाल रही है आम आदमी, तभी संभल पाई। तो कह रहे संभली नहीं है, लेकिन लगातार आरोप लग रहे हैं। ना, कह रहे कभी सुकेश का वीडियो ले, कभी लेटर बॉम्ब ले आते हैं, कभी मसाज का वीडियो ले आते हैं, काम नहीं करा। वो तो उनका पाप है। हाँ, वो तो उनका पाप है, दूसरे गेट पे। अच्छा, अब ये बताएं कि आपका एक वीडियो, आपके बारे में कहा जा रहा है कि पहले आपने कहा था कि पिछली बारी की पैसा ले आएंगे, काम कर देंगे, पूरा पहाड़ हटा देंगे, पिछली बार भी तो कर दिया। देखिए, हमें पैसा तो नहीं दिया उन्होंने, तो हमने क्या किया कि एमसीडी को एक कर दिया, यूनिफाइड एमसीडी आई। अब क्या मेयर मजबूत होगा, हम आर्थिक रूप से, ये अभी रो रही थी, अभी गोद में आके चुप हो गई, इसको अब क्या सुनाते, कौन सा गाना सुनाते कि ये चुप हो जाती है। सुना के सुना दीजिए हमको एक बारी। बच्चा है और रोक लेना थोड़ा, यहाँ बच्चा है, अभी इनको सुबह सुबह में ज़्यादा दुलार नहीं कर पाया, तो हम निकल रहे थे, तो इसलिए। तो देखो, मैं बताता हूँ कि दिल्ली को बहुत तकलीफ दिया, गैस चैम्बर, जमुना गंदी, पानी गंदा, सड़कें टूटी। सर, हम लोग तो लुटियंस जोन में हैं यहाँ पे। मैं TV9 भारतवर्ष के लोगों से बोलूँगा, आप कभी किराड़ी जाइए, आप कभी बुराड़ी जाइए, आप कभी नांगलोई जाइए, आप कभी। लेकिन इस पर तो अरविंद केजरीवाल कहते हैं ना कि इन सब इलाकों में 15 साल में बीजेपी ने कुछ नहीं किया एमसीडी में। वो एमसीडी का विषय ही नहीं है, अनऑथराइज कॉलोनियों को हमने ऑथराइज कर दिया। डेवलपमेंट तो दिल्ली सरकार को करना है, डिसिप को करना है, जो उनके अंतर्गत है। सिसोदिया सुबह वोट डालने जब जा रहे थे तो उन्होंने कहा, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि कुछ काम नहीं है, दिल्ली के तमाम एंट्री गेट पर कूड़े के पहाड़ मिल जाते हैं और कुछ काम हुआ नहीं, तो इसलिए आम आदमी पार्टी को सिर्फ आरोप लगा रहे हैं। भाई, उन्होंने भी तो कहा था 2015 में हम कूड़े के पहाड़ हटाएंगे, कैसे कह दिया था, हटाना तो दूर, सहयोग भी नहीं किया हमने, तो फिर भी 70 फीट घटाया, 482 कूड़े के ढलाव को हटाया, और अभी 2 साल में आपको ये सारे लैंडफिल साइट जो है वो जीरो करके भारत वंदना पार्क जैसा पार्क बन जाएगा। हम ही ने बनाया भारत वंदना पार्क ना, हम पार्क नगरी बनाने में लगे हुए थे, वो शराब नगरी बनाने में लगे हुए हैं। दिल्ली की जनता डिसाइड करेगी क्या स्कूल के सामने, मंदिर के सामने, गुरुद्वारा, गिरजाघर या मस्जिद के सामने। दिल्ली के लोग ऑटो में घूमते हैं, तो ऑटो में बहुत लोकप्रिय भी हैं आप, ऑटो वालों के बीच में, तो गाने आप ही के बजते हैं, गाने आप ही के बज रहे होते हैं, तो आप खुद बैठे हैं साक्षात यहाँ पर, तो कुछ गा के सुना दीजिए चलते चलते। नहीं नहीं, हम तो यही कहते हैं कि बेटा सानवी, हाँ छोड़ दो छोड़ दो, बीजेपी का मतलब सेवा है, सेवक अपना बनाए रखना, खोखले प्रचार हम करते नहीं, चरणों में अपने बसाए रखना, आज करो अपने मत का प्रयोग, दिल्ली को भाई बहनों बचाए रखना। दिल्ली बहुत गलत और गंदे हाथों में है, तो चलते हैं। एक चीज और है, ये है हमारी शिकायत पेटी है TV9 नेटवर्क की, इसमें शिकायतें आती हैं, शिकायतें हम लगातार इसमें खाली करते रहते हैं, निस्तारण करते रहते हैं। इसमें शिकायत यही आ रही होगी कि स्कूल के सामने शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए। हाँ बेटा, इसमें शिकायत यही आ रही होगी कि मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा के सामने शराब की दुकान नहीं होनी। इसमें शिकायत आएगी गंदा पानी मिलता है, इसमें शिकायत आएगी हवा गंदी है, इसमें शिकायत आएगी कि दिल्ली के लोगों को, जैसे दिल्ली के बुजुर्गों का पेंशन बंद कर दिया। इसमें शिकायत आएगी कि किराएदारों को कहा था कि किराया देंगे, कोरोना में नहीं दिया, शिकायत तो। अच्छा, कांग्रेस के लिए क्या लगता है आपको, कांग्रेस की इस लड़ाई में कितना पार्टिसिपेट है? मुझे तो लगता है कि कांग्रेस भी ठीक लड़ रही है, और कांग्रेस के भी कुछ नेता हैं जो मजबूत लड़ते हैं, और कांग्रेस के नेतृत्व का कोई सहयोग नहीं है, तो उनकी क्या स्ट्रेटजी है मुझे नहीं मालूम। बीजेपी, सौरभ भारद्वाज ने सुबह बोला कि 220 का हमारा आकलन था, 3 बार हमने सर्वे करा लिया है, लेकिन कुछ कन्वर्जन और हुआ है, कुछ और वोट कन्वर्ट हो गए हैं, तो अब हो सकता है 230 भी क्रॉस कर जाएं। आपका क्या कहना है? नहीं, वो 250 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, उनका कहने में कुछ थोड़ी जाता है। जिसकी 56 इंच की जीभ हो, कुछ भी बोलते जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
आज तो दिल्ली की जनता अपना मत देगी, दिल्ली की जनता अपने भविष्य का निर्धारण करेगी।